का एक्सरे मतलब जाति जनगणना। 2% के हाथ में देश का पूरा धन है, आपको पता ही नहीं लग रहा। एयरपोर्ट छीन लिए आपके, पब्लिक सेक्टर यूनिट सब छीन लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सब ले लिया, आपके स्कूल आपके कॉलेजेस सब उठा के ले गए, आपके अस्पताल उठा के ले गए। 2% लोग हैं, 3% नहीं है। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? देखा ना, धूमधाम से हुआ, देखा ना? उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पर किसान का चेहरा देखा, मजदूर का देखा? पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अदानी देखा? उसके बच्चे देखे? अंबानी देखा? उसके बच्चे देखे? सारे बिजनेस वाले देखे? नरेंद्र मोदी देखे? अमिताभ बच्चन दिखा? ऐश्वर्या राय देखी? इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सो हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया, पाकिस्तान में क्या हो गया? ओ भैया उधर देखो, अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा। ओ देखो भैया, ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। किसानों के रहने किलो काटे बिछाए जा रहे हैं। नहीं, किसान दिल्ली जा रहे हैं, देखा आपने? वहां पे जैसे युद्ध में ना टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते हैं लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। आज मैंने फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं और पुलिस वाले किसानों को रोक रहे हैं। ये है हिंदुस्तान। आप देखो, किसान किसान को समझो। पहले नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून बनाए, उनके जेब में से मांग छीनने की कोशिश की। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें MSP दो। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरब पतियों को माफ कर देते हैं और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए MSP नहीं दे सकते, क्या बड़ी बात है? हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को MSP देगी। और एक्सरे करेगी भैया, बात समझ लो, एक्सरे होगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लग जाएगा इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। आपको यही सवाल पूछना है, आपको इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। आपने सुबह एक सवाल पूछना है, ये सोने की चिड़िया है, इसने आज सुबह अंबानी को इतना पैसा दिया, अदानी को इतना पैसा दिया, आज सुबह इसने मुझे कितना दिया, यही सवाल पूछना। और कोई सवाल ही नहीं है। जिस दिन
73% ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई मेरे जेब में से हर रोज ये पैसा निकाल रहे हैं, जीएसटी जा रही है मेरी है, पेट्रोल का पैसा जा रहा है मेरा, गैस सिलेंडर का मेरा, मैं टैक्स में भर रहा हूं, जितना पैसा मैं देता हूं उतना अदानी देता है, मैं 1000 रुपए की शर्ट खरीदता हूं मैं 18% देता हूं, 73% वाला कहता है, और अदानी 1000 रुपए की शर्ट खरीदता वो भी 18% देता है, तो जितना टैक्स मैं देता हूं उतना अदानी देता है, उसको लाखों करोड़ रुपए मिल जाते हैं मुझे 1 रुपया नहीं मिलता, क्यों? ये सवाल पूछना चाहिए आप, और जाति जनगणना से ये सवाल का जवाब आप सबको मिल जाएगा, पता लग जाएगा 73% के साथ हो क्या रहा है। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया, पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।